हेलो एवरीवन, किसी भी एग्जाम नू क्लीयर करने वास्ते फस्ट ऑफ ऑल तो सानू ये पता होना चाहिए होंदा कि असी केड़ी बुक पढ़नी है। एंड जो सानू ये पता लग गया केड़ी बुक पढ़नी है तो उस तो बाद सानू ये भी पता होना चाहिए कि किताब नू सही तरीके नाल किवें पढ़ना, ठीक है जी। सो जेकर आप किताब नू सही तरीके नाल पढ़ांगे ता ही आप उस किताब दा चंगी तरह निचोड़ कढ़ सकांगे। सो फस्ट ऑफ ऑल तो सानू ये पता होना चाहिए कि किताब दे विचों असी पढ़ना की है। सो ये चीज़ आप कितों पता लगेगी? प्रीवियसर क्वेश्चनस तो, ठीक है जी। जेकर तुहानू ये पता लगेगा कि एग्जाम दे विच की पूछा जा रहा, फिर ही तुसीं वह चीज़ा एग्जाम जिहड़ियां हैगियां वह एग्जाम दे लई प्रिपेयर करोगे उस बुक दे विचों, ठीक है। सो फस्ट ऑफ ऑल जदों भी तुसीं कोई तैयारी शुरू करनी है, सपोज़ करो तुसीं पॉलिटी सबजैक्ट स्टार्ट करना है, ज्योग्राफी सबजैक्ट स्टार्ट करना, तो फस्ट ऑफ ऑल उस पेपर के जिहड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ वह चक के देखो किस तरह जिहड़े क्वेश्चन आ वो एग्जाम पूछे गए हैं। सो दैट के तुसी उस तरह के क्वेश्चन जिहड़े हैगे आ वो एग्जामीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दे पढ़ सको। जिवें सपोज़ करो तुसी कोई ज्योग्राफी स्टार्ट करन जा रहे हो, ठीक है। सो ज्योग्राफी दी आपनूं पता कि आपनूं एनसीईआरटी पढ़निया पैणगियां। सो जदों तुसी ज्योग्राफी पढ़नी स्टार्ट करनी है तो पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लैने, तुहानूं उत्थों आइडिया हो जाणा किस तरह जिहड़े क्वेश्चन आ वह पूछे जाणगे। सो देखो एक बुक दियां आपां नूं बहुत सारिया रीडिंग्स देनिया पैंदियां हुंदियां, उस तो बाद जिहड़ियां वो चीज़ां हुंदियां अपने दिमाग जाके बहिंदियां हुंदियां। सो जेकर कोई बिगनर जिहड़ा हैगा वो किताब शुरू कर रहा तो पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चकने हैगे उहने, उहनूं उत्थों आइडिया हो जाणा। जदों उहने एनसीईआरटी पढ़नी शुरू करनी आ तो आपां नूं पता कि एनसीईआरटी दे पिछे जिहड़े इन्हां ने क्वेश्चन भी दित्ते हुंदे आ, जिवें कोई लैसन खत्म हुंदा तो क्वेश्चन दित्ते हुंदे आ ना। सो जो तुसीं फस्ट रीडिंग स्टार्ट करते तो क्वेश्चन भी तुसीं पहला देख लेने कि किस तरह जिहड़े क्वेश्चन आ पुछे गए आ, ठीक है जी। सो उन्हां क्वेश्चनस नूं भी तुसीं ध्यान दे विच रखणा जदों तुसीं रीडिंग स्टार्ट करनी है। फस्ट रीडिंग दे तुसीं जस्ट एज बस रीड करना हैगा गा, कोई अंडरलाइन नहीं करना हैगा, ठीक है जी। फस्ट रीडिंग दे विच जस्ट कोई अंडरलाइन नहीं करनी हैगी, जस्ट तुसीं उहनूं रीड करना। सो दैट कि तुहानूं पता लग जूगा कि किस तरह च जिहड़ियां उस चैप्टर तो जितियां हुई हैं। जो सारे चैप्टर रीड कर लोगे थोड़ा पता लग जू किस तरह चीज़ें सारे चैप्टर जितियां हुई हैं। जो तुम सैकेंड रीडिंग स्टार्ट करनी है तो उत्थे तुसी अंडरलाइन करना शुरू कर लेना है, बिकॉज थोड़ा काफ़ी आइडिया हो जूगा कि जिहड़े किस तरह दी जिहड़ी चीज़ें हैगियां वो सानू एग्जामीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें इस तरह दुनिया जिहड़ियां अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो रेलेवेंट नहीं होंदियां, वह अपने बोर्ड एग्जाम लिए रेलेवेंट होंदियां लेकिन एग्जाम लिए रेलेवेंट नहीं होंदियां हैगियां। सो वह चीज़ें तो छड्ड देनी है, ठीक है जी, एंड अंडरलाइन कर लेना है। उस तो बाद जो थर्ड रीडिंग करनी है उस तो बाद नोट बनाने शुरू करने हैं। थर्ड रीडिंग दे विच नोट्स बनाने हैगे है, ठीक है जी। जेकर तुसी सैकेंड रीडिंग दे विच नोट्स बनाने शुरू कर ले तो बहुत सारिया चीज़ां तुसी इस तरह नोट्स दे विच लिख लोगे जिहड़ियां कि रिक्वायर्ड नहीं हैगियां, ठीक है ना। सो थर्ड रीडिंग दे विच देखो तुसी नोट्स बनाने हैगे आ। जो तुसी फोर्थ रीडिंग करनी हैगी आ तो जिवें सपोज करो तुसी 10 पेज दे नोट्स तैयार किए आ तो फोर्थ रीडिंग दे विच तुसीं की करना हैगा, उन्हां 10 पेजां दे विचों भी घट्टो घट्ट 2 या 3 पेज नोट्स होर बना लेने हैं, जिहड़े कि बहुत मतलब कि आपां कह लईए कि माइक्रो नोट्स होने चाहिए आ, बिल्कुल समॉल समॉल चीज़ां उन्हां 'च लिखियां होनी चाहीदियां जिहड़ियां कि एग्जाम तो 1-2 दिन पहले तुसीं रीड आउट कर सको। हो यही स्ट्रैटजी देखो तुसीं सारे सबजैक्ट्स के उपर लाउणी हैगी आ। सारे सबजैक्ट्स ते तुसीं जदों भी रीड आउट करोगे, सारियां किताबां रीड आउट कर लईआं तो 2 या 3 पेज थोड़े कोल हर सबजैक्ट के होण जिहड़े कि एग्जाम तो 1 दिन पहला तुसीं रिवाइज़ कर सको, ठीक है जी। सो इस तरह जिहड़ी रिवीजन की स्ट्रैटजी हैगी आ वो तुहानूं एग्जाम दे विच सक्सैस अचीव करन 'च बहुत ज़्यादा